अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, और आप सब कैसे? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी काफ़ी खैरियत से। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ, उसमें बेस भी और आई मेकअप भी दोनों ही दिखा रहे हैं, पर कुछ कट हो गया है क्योंकि जो वीडियो बनाने वाली है ना वो थोड़ा ठीक ठाक नहीं बना पाती है। तो जिस तरह, और फिर वर्क करते समय ठीक से बनता भी नहीं क्योंकि वर्क ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि मतलब उनको सब कुछ उनका ठीक हो, अच्छा बेस बना हो, अच्छा आई मेकअप हो, अच्छा हर चीज़ उनको एकदम परफेक्ट होना चाहिए, है ना। कि मतलब आज अगर मैंने इनको कुछ अच्छा किया है तो ये दो लोगों को और बता सके कि अच्छा मेकअप हुआ है, तो इसलिए इन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो आप लोग देखिए किस तरह से मैं मेकअप बेस बना रही हूँ और किस तरह से तैयार कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इतनी गर्म कि क्या बताएं, इतनी गर्म थी कि जिसका कोई जवाब नहीं। उसी में बारिश पे चिपचिप वाला मौसम होता है तो मेकअप में इतने गुस्सा आती है कि मतलब इतनी गर्म में शादी लोग कैसे कर सकते हैं। ये कि हम लोगों को परेशानी होती है तैयार करने में, और बेचारी जो ब्राइड बनती है उसको तो सबसे ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। उसको कहीं एक दिया बिठा दिया जाता है, ना कुछ कर पाए, ना कुछ, इतना ज्वेलरी लाद के, इतना हैवी सूट पहन कर कि कुछ करने को नहीं। आप लोग देखिए मेरा मेकअप आप लोगों को कैसा लग रहा है, और शायद आपको कुछ ज़्यादा इस वीडियो में लग सकता है क्योंकि उनको थोड़ा ज़्यादा चाहिए भी था, पर मेरा फ़ोन से ये इतना ज़्यादा आप लोगों को दिख रहा है, पर रियल में इतना हार्ड नहीं था। रियल में एकदम ठीक ठाक ही दिख रहा था। बाहर जिन लोगों से पूछ रहे थे, मतलब जो और पार्लर में थे, उनको काफ़ी अच्छा लग रहा था और ठीक भी था, मुझे भी समझ में आ रहा था, पर फ़ोटो में कुछ ज़्यादा वीडियो में नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा हैवी हुआ है, पर इतना हैवी नहीं हुआ है जितना इस पर कि दिख रहा है। और आप लोग देखिए मेरी वीडियो, और प्लीज़ एक लाइक से आप तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा और मेरा तो बहुत कुछ हो जाएगा। प्लीज़ एक लाइक कर दिया करिए, कमेंट्स कर दिया करिए, आप चाहे अच्छा करिए चाहे ख़राब, प्लीज़ आप करिए, कुछ समझाइए। अगर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उसके लिए आप बोलिए, और आपको मेरा मेकअप प्लीज़ कैसा लगता है ज़रूर बताइए। और इनका आई मेकअप आप लोगों को कैसा लगा? इनको तो बहुत अच्छा लगा, मैं अपने ऊपर अपने ही लिए तारीफ़ कर सकती हूँ, पर जो तैयार होता है आप उनसे पूछ सकते हैं ना कि मतलब आपको मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। मैंने उनसे पूछा तो वो बहुत 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 हैप्पी थी, और उन्होंने कहा था मुझे आई मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेरा फेस भी मुझे अच्छा लग रहा है। इनको तो पूरा मेकअप भी मेरा बहुत अच्छा लग रहा था। और आप लोग बताइए आप लोगों को मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, और मैं और भी मेकअप डाल चुकी हूँ मेरे पेज पे, देखिए कितने मेकअप है, कितनी हेयर स्टाइल है, कितनी कटिंग है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग प्लीज़ देखा करिए, और मुझे अच्छा सा छोटा सा कमेंट्स कर दिया करिए। कुछ भी आप करेंगे तो मुझे अच्छा लगता है, और आगे बढ़ने की मतलब वो होती है कि जल्दी से जल्दी और वीडियो बनाएं और कुछ नया करें, कुछ अच्छा कुछ ख़राब। आप देख सकते हैं ना, आप लोग भी कुछ बता सकते हैं कि मैं किस तरह के इसके आगे वीडियो बनाएं, और किस तरह का आप लोग वीडियो देखना पसंद कर रहे हैं। और मैं रियलिटी डालती हूँ, कोई झूठ कोई मक्कारी नहीं, कोई भी चीज़ मतलब वो नहीं, कोई फिल्टर नहीं, जो मेरा मोबाइल मुझे बना के देता है। और मेरे पास कोई एडिटर भी नहीं है, कोई और भी नहीं है, मैं ही सब कुछ करती हूँ। वीडियो भी मैं बनाती हूँ, जैसे तैसे बन जाती है वैसे वीडियो बनाती हूँ, एडिट भी खुद ही करती हूँ, हर काम मैं खुद से ही करती हूँ। मेरे पास मेरा कोई नहीं है कि मतलब मैं पैसे दे के ये काम कराऊँ या वो काम कराऊँ, इतना। और ये रहा मेरा फाइनल मेकअप लुक, आप लोग देखिए ये कैसी लग रही है आप लोगों को, और कितना अच्छा आप लोगों को लग रहा है। प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिए और मुझे बताइए, मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग मुझसे कुछ पूछते हैं, मैं आप लोगों को कुछ बता सकती हूँ। आप लोग देखिए और बताइए मेरा मेकअप लुक ये इनका ऊपर कैसा लग रहा है, और ये कैसी लग रही है।